यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर रिएक्टर पर संकट है। ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर रिएक्टर की बिजली कटी है। भारी गोलाबारी के बाद न्यूक्लियर रिएक्टर की बिजली काट दी गई है। डीजल जनरेटर से रिएक्टर को हो रही है बिजली की सप्लाई। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी अब अलर्ट हो गई है इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से ये सारी चीजें हम देख रहे हैं और एक के बाद एक ये जो वॉर में इवेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, वो साफ तौर पे ये तो साबित कर रहे हैं कि आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, और खासकर यूरोपियन कंट्रीज के लिए, और वो देश जो ये चिंता जता रहे हैं कि कहीं परमाणु युद्ध ना हो जाए। अगर ऐसा युद्ध नहीं भी होता है तब भी स्थितियां ऐसी हैं जिससे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, और उसमें देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर सारी चिंताएं हैं। क्या क्या बातें हैं बड़ी वो भी जरा देख ले। रिएक्टर बिजली बहाल करना बेहद जरूरी, और बिजली बहाल नहीं हुई तो गर्म हो जाएंगे रिएक्टर। ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रिएक्टर को लेकर आज से नहीं बल्कि युद्ध के पहले दिन से ये सारी चिंताएं जाहिर की गई हैं, और रिएक्टर्स के गर्म होने से रेडिएशन का खतरा है, और ये एक रियल थ्रेट है जिसको कभी किसी ने डिनाई भी नहीं किया है। भारी बमबारी की वजह से बिजली यहां पर कटी है, और रूस यूक्रेन ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। यूक्रेन तो लगाता ही रहा है, लेकिन बाद के दिनों में रूस ने भी यूक्रेन पर कई सारे आरोप लगाए। आईएईए ने रूस यूक्रेन को चेतावनी दी है, और आईएईए की तो टीम भी गई थी मुआयना करने के लिए और इस चिंता को देखने के लिए कि वाकई में ये कितना रियल है या कितना जो है सिर्फ एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। सिंह सर, ये जो सारी बातें कही गई हैं रिएक्टर्स को लेके, नई तो नहीं है, लेकिन बदले हालात में ये चिंताएं कितनी और ज्यादा गंभीर हुई हैं, क्योंकि अब आइए ये भी कह रहा है कि रेडिएशन का खतरा तो पहले था, अभी भी बना हुआ। बिल्कुल, ये आप देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है 24/7 जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, जो इसके लिए आपको न्यूक्लियर मटेरियल जो रिजर्व करके रखा जाता है सेव करके, उसके लिए बहुत जरूरी है पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना, जो -40 डिग्री आसपास मेंटेन किया जाता है। जैसे ही वो टेम्परेचर अगर आता है तो ये रिएक्शन जो है ऑटोमेटिक शुरू हो रहा है, चेन रिएक्शन। इसके लिए उसका फॉलोअर बहुत ज़बरदस्त हो सकता है, तो इसलिए बड़ा गंभीर है ये सिचुएशन कि अगर वो इस समय डीजल जनरेटर चल रहा है, कहीं भी अगर कोई जनरेटर फेल हो जाता है तो न्यूक्लियर फॉलोआउट बहुत बड़ा होगा, और ये फिर से चेर्नोबिल जैसी स्थिति आ जाएगी। तो इसके लिए आईएईए डेफिनेटली वरीड है, और बार बार ठीक है सिंह साहब, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं निश्चित तौर पर ये तमाम आशंकाएं मन में जन्म लेती हैं। सीधे मॉस्को का रुख करते हैं, मनीष झा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, बार बार ये खतरा मंडरा रहा है कि कहीं ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन ना हो जाए, मानवता पर कहर ना टूट पड़े, एक बार फिर क्या इसके आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं? किस तरह की रिपोर्ट ज़ापोरिज़्या को लेकर आपके पास आ रही है? देखिए बिल्कुल, ज़ापोरिज़्या में अगर बात करें तो एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन की सेना एक दूसरे के साथ लड़ रही है, यूक्रेन की सेना ज़ापोरिज़्या के बहुत सारे इलाके को अपने कब्जे में लेने की कोशिश में है, वहीं खास करके न्यूक्लियर पावर प्लांट में अभी भी रूस की सेना का वर्चस्व है, यानी कि उनके कस्टडी में है। लेकिन इस बीच जो आईएईए की टीम की पहुंची, वो वहां से निरीक्षण करने के लिए भी आने वाली है, लेकिन बात यह है कि जब आईएईए की टीम वहां पहुंची है तो रूस का की चिंता यह है कि उन कि आईएईए की टीम निष्पक्ष तौर पर नहीं यहां पर बिहेव कर रही है, बल्कि वो यूक्रेन के साथ सिंपैथेटिक है, जबकि उनका मकसद होना चाहिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो सेफ्टी है उसको सुनिश्चित किया जाए, ना कि जियोपॉलिटिक्स में पड़ा जाए। ये रूस की एक दलील। लेकिन मनीष, एक सवाल ये मनीष, एक प्रश्न ये, क्या इस युद्ध ने यूएन की हर एजेंसी की क्रेडिबिलिटी को एक शक के दायरे में ला दिया है, और आईएईए उससे अलग नहीं है? क्या रूस के ये सवाल इसी बात को एस्टैब्लिश नहीं कर रहे? क्योंकि रूस ने तो लगभग हर एजेंसी को डिनाई किया है, और आईएईए कोई अपवाद नहीं है, कोई अलग नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले यूएन के सेक्रेटरी जनरल का जब बयान आया था
तो उस समय भी यही रूस की तरफ से प्रतिक्रिया थी कि सेक्रेटरी जनरल को जियोपॉलिटिक्स में कोई साइड नहीं लेना चाहिए, जो कि उन्होंने ले लिया है। तो एक बात यह भी है, वहीं दूसरी बात यह भी है कि यूएन अगर अपने एक मेंबर स्टेट के लिए नहीं बोलेगा तो किसके लिए बोलेगा? तो ऐसा नहीं है कि रूस की ही दलील केवल सही है, बल्कि यह भी बात है कि यूएन के सेक्रेटरी जी जी मनीष, आप अपनी बात जारी रखते हुए आप तस्वीरें दिखा रहे थे कुछ मिनट पहले, वो भी बताइए और ये भी बताइए कि जब आप क्रीमिया ब्रिज पर पहुंचे जहां पर इतना बड़ा धमाका हुआ, अब रेस्टोर किया गया है, ये भी इंफॉर्मेशन दीजिए दर्शकों को। जी हाँ बिल्कुल, देखिए 24 घंटे के भीतर जिस तरीके से रूस ने क्रीमिया के उस ब्रिज पर जो नुकसान हुआ था उसको रिस्टोर कर दिया है, वो एक बड़ी बात है, क्योंकि अब वहां पर ट्रेन चल रही है, बसें चल रही है, तो दोनों, चाहे वो सड़क वाला जो ब्रिज था और रेलवे ब्रिज, दोनों यहां पर उसको रिस्टोर कर दिया है। साथ ही साथ हम आपको यहां तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए रविवार की सुबह है और इस समय भी अगर आप देखें तो आवागमन यहां पर बहुत ही नॉर्मल है और लोग आ जा रहे हैं। मेरे सामने अभी यहाँ पर कई मिलिट्री के लोग आसपास से गुजरे, तो वो जो बात आ रही थी कि मिलिट्री वालों को पकड़ा जा रहा है उसमें कोई पैनिक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जंग के बीच में रूस क्रीमिया का जवाब देगा, ये देखने वाली बात होगी। और दुनिया भर के तमाम दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि TV9 भारतवर्ष की टीम ना सिर्फ रूस से बल्कि क्रीमिया से रिपोर्ट करने वाला एकमात्र ऐसा चैनल जिसने दिखाया आपको कि जंग के बीच अभी असलियत क्या है, और असलियत अभी आप कैमरे पर देख रहे हैं वो तस्वीरें जो बिना किसी प्रोपेगेंडा के हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।